हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे किचन आओ बनाए खाए में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पालक पनीर की रेसिपी, जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं पालक पनीर कैसे बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही झटपट बनाएंगे, वो भी चूल्हे पे। तो पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक लिया है। कैसी बातें कर रही हूँ ना, पालक तो चाहिए ही होगा हमें। तो अब मैंने एक पालक की गुच्छी ली है और भी लिया है, पर मैं एक ही दिखाऊँगी। इसको हम इस तरह से, इसमें ये बंधा हुआ होता है, इसको खोल लेंगे। अब इसमें से इसके पत्ते ऐसे, ये फ्रंट, ये सबसे आगे का जो पत्ता है वो तोड़ लेंगे। ऐसे करके सारे पालक में से निकाल लेंगे हम इसको। ये देखिए, अच्छी तरह से एक एक पत्ते को धोएंगे हम। मेरे हस्बैंड पानी डालने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टूटी नहीं है, हम पानी भर के रखते हैं। और पूरी वीडियो में मेरे हस्बैंड मदद करते रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट गलत ना करें, अच्छे ही कमेंट करें। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिड हैं, सारे वीडियो शूट भी वही करते हैं और एडिटिंग भी वही करते हैं। बस हमारा पालक धुल चुका है, अब हम इसको डाल देंगे एक पतीले में। तो देखिए, मैंने सारा पालक धो के एक पतीले में रख लिया है। अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी डाल दिया है मैंने, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पालक खुद अपना पानी छोड़ता है। ढककर इसमें एक दो उबाल आने तक का वेट करेंगे। तो हमने पालक उबलने के लिए रख दिया था, अब हम तड़का मारने की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने ली है 5 से 6 हरी मिर्च। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि हम हरी मिर्च डालते हैं। और 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 2 ऐसे छोटे अदरक के टुकड़े लिए हैं, 1 पूरा लहसुन लिया है और 2 बड़े प्याज लिए हैं। और चलिए अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। पालक हमारा उबल चुका है, अब हम तुरंत ही इसको छान लेंगे। ये मैंने छेद वाली एक परात ली है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई छेद वाली छलनी है, या फिर इसको निकाल लें किसी भी कलछी वगैरह से, पर तुरंत ही करें ये काम, वरना आपका पालक काला पड़ जाएगा। बहुत लोगों को समझ नहीं आता होगा कि क्यों हमारा पालक काला पड़ जाता है, इसका यही रीज़न है। आप क्या करें कि ठंडा पानी लें फ्रिज का और तुरंत इसके ऊपर डाल दें। ये एक ट्रिक है जो पालक को हरा भरा रखेगी। थोड़ा थोड़ा करके सारे पालक को एकदम ठंडा कर दें। अगर आपके पास फ्रिज का पानी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पालक को तुरंत ही ऐसे करके निकाल दें और ठंडा कर दें, वरना आपका पालक काला पड़ जाएगा। बस अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, पालक हमने निकाल लिया है एक मिक्सी के जार में। अब हम डाल देंगे इसमें आइस क्यूब। ये किस लिए डाल रहे हैं, ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी पालक के ऊपर की गर्मी ख़त्म हुई है, अंदर की नहीं। तो हम चलाएंगे मिक्सी और फिर एकदम से गर्म हो जाएगा ये, और मिक्सी ख़राब होने के चांस हैं, तो इसलिए ये ठंडा पड़ जाए, इसलिए हमने 2 आइस क्यूब डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है या मिक्सी भी नहीं है तो आप आसानी से सिल बटने पर इसको पीस सकते हैं, ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा पालक बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुका है और कितना हरा भरा लग रहा है। इसी प्रोसेस से करेंगे आप तो कभी भी आपका पालक काला नहीं पड़ेगा, हमेशा ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखिए, अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर को मैंने ऐसे छोटे छोटे काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे एक मिक्सी में डालकर। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें तेल डाल देंगे। तेल हम पहले कम ही डालेंगे क्योंकि बाद में मैं इसमें घी डालूंगी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा कोई सीक्रेट टिप्स है, तो मैं सीधा ही बता देती हूँ अपने ऑडियंस को। थोड़ा सा घी डाला है मैंने अभी। अब इसमें खड़े मसाले डाल देंगे कुछ, जैसे कि तेज पत्ता लिया है मैंने, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है छोटा सा, 2 से 3 लौंग ली और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब ये मत जीरा नहीं डालेंगी आप इसमें, जीरा इसमें नहीं डालता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बाकी मैं नहीं डालती हूँ, तो मैं अपना तरीका दिखा रही हूँ। अब कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको जब तक ये गोल्डन होएगा सुनहरा तब तक भूनेंगे। ये देखिए, प्याज हमारी भून चुकी है, ब्राउन भी हो चुकी है, बढ़िया भी लग रही है देखने में। अब पता है क्या करेंगे हम, अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी।
अब कहेंगे आप ये क्या कर दिया, पर ये इसलिए किया है क्योंकि प्याज भून जाती है तो एकदम से काली पड़ जाती है, उसका कालापन रोकने के लिए हमने ऐसा किया है क्योंकि हमें सामान उठाने में मसाले उठाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और तुरंत ही प्याज काली पड़ जाती है भूनने के बाद, इसलिए अब इसलिए इसके जो ये भून रही थी प्याज उसको रोक देगा यहीं पर। अब डालेंगे हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल दें, वही सेम मिलाएंगे इसको अच्छी तरह से। ये देखिए सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब डालेंगे हम इसमें मसाले, सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें, मिला लेंगे इसको। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, गरम मसाले में भी डालेंगे हम सिर्फ धनिया पाउडर। ये मेरे व्यूअर्स को पहले ही पता है कि मैं गरम मसाला बाद में डालती हूँ। एक चम्मच में से थोड़ा सा मैंने बचा दिया है, इतना ही अभी धनिया पाउडर डालेंगे हम। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इसका कलर नहीं आया तो कलर डालने के लिए जो हमने पहले जुगाड़ किया था वो सेम जुगाड़ करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, कलर देने के लिए वही होती है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, वरना मैं कभी भी अपने व्यूअर्स को बाहर से लाने कुछ भी लाने के लिए नहीं बोलती हूँ, जो भी घर में हम वही से हम उसी चीज़ों से खाना बनाते हैं। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिए, थोड़ा सा फूड कलर डालने से इसका बढ़िया कलर आ गया है जो बिल्कुल देगी मिर्च से और कश्मीरी लाल मिर्च से आता है। मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे यही आसानी से मिल पाया, बाकी मिल जाता पर दूर काफ़ी है, इसीलिए इस मसालों को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले तेल में छोड़ दें। अब डालेंगे हम इसमें घी, अभी एक चम्मच डालेंगे, चिंता मत कीजिए ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, सिर्फ दो चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। अभी एक चम्मच डालेंगे और एक चम्मच में आगे दिखाएंगे आपको सब डालेंगे। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, अगर आप नहीं डालेंगे तो थोड़ी सी तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें ताकि और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। पालक में थोड़ा सा तेल तेल नज़र आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो क्या कहने, तो इसलिए अगर घी है आपके पास तो आप डालिए। हमारे घर पर तो घर का बना हुआ घी है तो मैंने इस्तेमाल किया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, सब भी अच्छा ही बनेगा। देखिए मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी है क्योंकि गर्मी भी है और फिर चूल्हे पे खाना भी बना रहे हैं हम, थोड़ा पसीना पसीना हो रखा है, पर कोई बात नहीं, आप सिर्फ रेसिपी पे ध्यान दीजिए। ये देखिए मसाले हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, देखने में बढ़िया लग रहे हैं, ये खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, तो कलर चेंज भी हो चुका है और मसाले बिल्कुल भून चुके हैं अच्छी तरह से, तेल भी छोड़ दिया मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले पालक, पालक का देखिए मैंने जो ट्रिक बताई थी उससे बिल्कुल हरा भरा है अभी भी, देखने में ही अच्छा लग रहा है ना आपको, आप भी ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। अब डाल देंगे इसमें सारा पालक, पालक मैंने आधा किलो के करीब लिया था पर अब ये देखिए 200 ग्राम भी नहीं रहा है, तो आप एक्स्ट्रा ही लीजिए अपने घर के अकॉर्डिंग जितने भी मेम्बर हैं। मिला लेंगे इसको अच्छी तरह, अगर आप ठीक पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी मत डालिएगा, पर मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल ज़रा सा, ये बर्तन में अभी पालक लगा हुआ है, बस इसी को साफ कर लूँगी। अब इसमें बुलबुले जब उठने लग जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे पनीर।
अब देखिए इसमें ये बबल आने शुरू हो गए हैं। बस अब डाल देंगे हम इसमें पनीर। पनीर को मैं कच्चा ही डाल रही हूँ, अगर आप पका के डालना चाहते हैं तो पका के डाल सकते हैं, पर इसका ये रीज़न है कि अगर हम देर तक भी रखेंगे पनीर को या सब्जी को अपनी, तो पनीर हमारा कड़क नहीं होगा। अगर हम भून कर उसको डालते हैं तो पनीर कड़क हो जाता है थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद, पर ये वैसे के वैसे नरम बना रहेगा। बस इसमें हमने सब कुछ मिला दिया है, अब इसमें डालेंगे हम घी। मैंने बताया था 2 चम्मच घी डालूंगी मैं। इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। और डालूंगी अभी मैं थोड़ी सी मलाई, ये भी मेरे घर की ही है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं आपको बाहर से लाने की, पर अगर है तो ज़रूर डालिएगा। देखिए कितनी बढ़िया मलाई है हमारी, हमने अपने घर में ही जमा रखी है ये। अभी थोड़ी सी डाल देंगे, फिर थोड़ा सा जब हम सर्व करेंगे तो सजाने के लिए डाल देंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें मलाई डाल दी है। कितना बढ़िया लग रहा है ना, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। मुझे तो पालक पनीर बहुत पसंद है, आपको पसंद है कि नहीं ज़रूर बताएं। बस अब इसमें थोड़ा सा जब इसमें बबल्स आने लग जाएंगे उतना ही इसको पकाएंगे, बाकी तो पालक भी हमारा पहले से पक चुका है और पनीर में थोड़ा सा कच्चापन है वो इसका निकाल देंगे। देखिए अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें छोड़ सकते हैं चलेगा, पर डालेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब इसको मिला लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गरम मसाला पहले से ही भुना हुआ होता है, इसीलिए। बस हमारा पालक पनीर बनकर तैयार है। देखिए कितना बड़ा है, कितना बढ़िया हरा भरा कलर आया है इसका। तो देखिए पालक पनीर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ी सी मलाई भी मैंने इसके ऊपर से डाली है सजावट करने के लिए। और यहाँ पे चावल लिए हैं, रोटी लिए हैं। अब मम्मी को चलते हैं टेस्ट कराने, देखते हैं मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं। बहू ने जो आज पालक पनीर बनाई है होटल से भी अच्छा है, जो होटल में बनाते हैं उससे भी स्वादिष्ट है। खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। तो देखिए आप सबने मम्मी को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको ये रेसिपी पसंद आती है और कितने कम समय में बनकर तैयार हो जाती है।